वेलकम व्यूअर्स, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ग्रुप है। आज काफ़ी समय के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। कुछ दिक्कतें थी जिनको शॉर्ट आउट किया है, अब आपको वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। आज जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक ऐसा टॉपिक है इससे पहले मैंने इसकी दो वीडियो डाली हुई हैं, आप में देख सकते हैं। आज जो पार्ट मैं डालने वाला हूँ, ये अपने आप में बेहद ज़बरदस्त कंसेप्ट है जो आज आप पढ़ने वाले हैं। इसको आपने एक बार पढ़ लिया और समझ लिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ, खासकर कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं उनको आप आराम से टैकल कर पाएंगे। बस वीडियो को अंत तक आपने देखना है। अगर आप अंत तक देखेंगे और आपने कुछ थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ रखा है, थोड़ा भी आपको रेशियो और परसेंटेज के बारे में नॉलेज है, तो आप इस टॉपिक को और इस कंसेप्ट को बड़े आराम से अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। और ज़बरदस्त कंसेप्ट है, आप माइंड करना कि आप सुन होने वाले हो इस कंसेप्ट को देखने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ कि मान लीजिए मैंने किसी से 1000 रुपये बोरो किए और उस पर मैंने जो रेट रखी है वो 20% रखी है और टाइम मान लीजिए 2 साल रखा है। छोटा क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, 3 साल के भी बात करेंगे। तो जब जब मैं ये कंडीशन कहता हूँ तो बहुत सारे मेथड आप यूज़ करते होगे, लैडर यूज़ करते होगे, फ्रैक्शन यूज़ करते होगे। आज कुछ उससे अलग हम सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ी कॉमन सेंस पर अगर मैं जाऊँ तो मैं कहूँगा कि 1000 रुपये पे 20% आपको इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट ईयर में। तो 1000 पे 20% मिलने का मतलब है कि आपको 200 रुपये इंटरेस्ट के मिल गए। तो आफ्टर 1 ईयर जो आपको पैसा वापस करना है वो कितना है, 1200 रुपये आपको वापस करना है। नॉर्मल कंडीशन में 1000 रुपये 1200 रुपये हो जाएंगे 1 साल में 20% रेट से। अब यही 1200 रुपये पे अगर आप 2 साल की बात करते हो, दोबारा से 20% आपको मिलना है। 1200 रुपये 20%, सभी को पता है कि 20% कितना है, 1/5 होता है। तो जब आप 1200 का 1/5 करोगे तो आपको 240 रुपीज मिलेंगे। 240 रुपीज, तो 1200 में 240 का इंटरेस्ट और जुड़ जाएगा और एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर आपको कुल 1440 रुपये रिटर्न करने होंगे। ये बेसिकली एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ मेंशन कराना चाहता हूँ। आपने अगर फ्रैक्शन पढ़ा है या कुछ भी पढ़ा है तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि 20% होता है 1/5, जिसमें आप कहते हो 5 आपका क्या है, मूलधन है, 1 आपका क्या है, ब्याज है, और 5 पे 1 जुड़ने के बाद 6 जो आपका है वो क्या है, मिश्रधन है। यानी कि 20% रेट के अकॉर्डिंग 5 को आप मूलधन मानते हो, 1 ब्याज मानते हो और 6 को आप मिश्रधन बना लेते हो। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब जब आप इंटरवल सेम रखते हो, जब तक आप इंटरवल सेम रखोगे, तो किसी भी ईयर से किसी भी ईयर में जब आप जम करोगे तो मूलधन और मिश्रधन की रेशियो क्या रहेगी, 5:6 रहेगी। मतलब अगर आप पहले से दूसरे साल, जब पहला साल स्टार्ट हुआ तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपको 1000 रुपये मिले हैं और आप ये 1200 बन गए हैं। अगर आप इसे कैंसल आउट करते हो तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि आपकी रेशियो कितनी है, 5:6 है। इन द सेम सेंस अगर आप ये वाला पैसा लेते हो और ये वाला पैसा लेते हो, तो अगर आप 1200 और 1440 का रेशो लेते हो तो अगेन आपको एक चीज़ मिलेगी कि अगेन आपकी रेशो क्या है, 5:6 है। तो एक चीज़ आप देखो कि इसके लिए मूलधन ये है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट ये है, और सेकेंड ईयर जो अमाउंट आपको मिल रही है इसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 1200 है। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब तक आपका इंटरवल सेम रहता है, जैसे कि यहाँ इंटरवल 1 साल का, यहाँ इंटरवल 1 साल का है, तो प्रिंसिपल अमाउंट और ग्रॉस अमाउंट यानी कि मूलधन और मिश्रधन के बीच का रेशो 5:6 ही रहने वाला है, चाहे आप कहीं तक भी इसको आगे ले जाएं। यहाँ भी 5:6 होगा और यहाँ भी 5:6 होगा। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे यूज़ क्या करना है कि रेशो में एक एग्जांपल आप पढ़ा करते थे कि ए रेशो बी और बी रेशो सी अगर दिया है और आपको इन दोनों को मर्ज करना है, तो आप कहते थे कि इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसे यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए कहते थे। इसी चीज़ को मैं यूज़ करने वाला हूँ डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस के अंदर, खासकर उन क्वेश्चंस के अंदर जिनके अंदर थर्ड ईयर सेकंड ईयर का सीआई का डिफरेंस दिया होता है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कहीं नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिवाइंड करें, देखें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को देखें और फिर देखोगे कि आप उस क्वेश्चन को मैं 10 सेकंड में किस तरीके से ख़त्म करता हूँ। एक बार इसको सीख लिया आपने फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन आपका शॉर्ट फॉर्म में स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि थर्ड ईयर सीआई और सेकंड ईयर सीआई का डिफरेंस दिया हुआ है 900, यानी कि तीसरे साल और दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर
₹900 है जबकि रेट 20% दी है। तो मैंने आपसे क्या पूछा है, थर्ड ईयर CI पूछा है, सेकंड ईयर CI पूछा है, मतलब सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, फिर थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का तो मैंने गिवन है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर का CI कितना है। या मैं कह सकता हूँ, नेक्स्ट चीज़ और ऐड कर सकता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट निकालिए टोटल क्या होगा, इनमें से कुछ भी दिया हो। नॉर्मली ये क्वेश्चन जब आप टैकल करते हो तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। आइए अब देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को आप 10 सेकंड में कैसे ख़त्म करेंगे। सबसे पहले आपने इस मेथड को अप्लाई करने के लिए फोकस करना है रेट 20% पे। अब रेट 20% का मतलब है 1/5। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, नथिंग एल्स। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर सेकेंड ईयर कोई चीज़ आएगी तो उसके लिए फर्स्ट ईयर क्या काम करेगी, प्रिंसिपल अमाउंट का काम करेगा, और 20% आए तो 5 आपका प्रिंसिपल है, 1 इंटरेस्ट है, और ग्रोस अमाउंट कितनी है, 6 है। तो आप लिखोगे फर्स्ट से सेकंड में ये वैल्यू 5-6 हो जाएगी। जब थर्ड ईयर स्टार्ट होगा तो थर्ड ईयर के लिए सेकंड ईयर किसका काम करेगा, प्रिंसिपल अमाउंट का काम करेगा। तो मैं अगेन कहूँगा कि सेकंड से थर्ड ईयर में अगेन कितना जाएगी, 5-6 जाएगी। अब जैसे रेशो में हम क्या करते थे कि ए रेशो बी और बी रेशो सी से ए बी बी स्क्वायर और बी सी किया करते थे, सेम सेंस आपने यहाँ करना है। आप इस 5 को 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 25। इस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आएगा 30, और इस 6 को यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। अभी आवाज आपके पास कुछ नहीं है, ये बेसिकली क्या है, फर्स्ट ईयर में जो CI है आपका टोटल जो है, जो CI SI सेम होता है वो 25 है, सेकेंड ईयर में इट इज़ 30 और थर्ड ईयर में इट इज़ 36। ये काम जैसे ही आप करोगे उसके बाद सब आपके पास है। क्वेश्चन में दिया है थर्ड ईयर CI और सेकेंड ईयर CI, तो ये रहा आपका थर्ड ईयर CI और ये रहा आपका सेकेंड ईयर CI। अब यहाँ डिफरेंस कितने का है, 6 का, और वहाँ डिफरेंस कितने का है, 900 का। तो डायरेक्टली आप 6 को किसके बराबर रख दोगे, 900 के। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। एक बार आपके पास 1 की वैल्यू 150 आ गई तो इसमें से जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है अटेम्प्ट कर सकते हो। लाइक उसने पूछा आपसे कि थर्ड ईयर का CI क्या होगा, तो अगर ध्यान से देखें तो थर्ड ईयर का CI ये रहा अपना 36। तो यहाँ हमारी हमें वैल्यू पता है कि 1 की वैल्यू 150 है, तो अगर थर्ड ईयर CI सोल्व करना है तो थर्ड ईयर की CI कितनी है, 36। 1 की वैल्यू 150 है तो 36 की वैल्यू होगी 150 × 36। जो भी आंसर आएगा सोल्व करके आप निकाल सकते हैं, कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है। अब किसी ने कहा सेकंड ईयर का CI, तो सेकंड ईयर का CI ये रहा 30। 1 की वैल्यू 150 है, सेकंड ईयर का CI कितना है आपका, 30 है। तो अब आप कहोगे कि 1 की वैल्यू 150 एंड 30 की वैल्यू 150 × 30। क्लियर, मेरे हिसाब से ये चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। मेन पार्ट ये है जो आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद इसने क्या कहा है, थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर के CI का डिफरेंस। तो देखो ध्यान से, थर्ड ईयर का CI कितना है, 36, फर्स्ट ईयर का कितना है, 25। तो 36 और 25 का डिफरेंस कितना होगा, 11। तो 1 की वैल्यू 150 आपको ऑलरेडी पता है, तो आप डायरेक्टली किसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, 11 की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर का CI आप कहोगे 1 की वैल्यू 150, यहां मैं लिख रहा हूं, इसको मिटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, 1 की वैल्यू 150, 1 की वैल्यू 150, देन 25 और 36 का डिफरेंस 11, तो 11 की वैल्यू होगी 150 × 11, और ये वैल्यू आ जाएगी 1650। बड़ा इजी है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो चाहे आप इससे बढ़ा सकते हो। अब मैंने फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने मिटाया है, रब किया है, उसमें मैंने आपसे पूछा था टोटल SI। अब आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट ईयर है आपका, जो फर्स्ट ईयर में आपको मिला हुआ है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट ही है, क्योंकि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही चीज़ होती है, चाहे आप कंपाउंड ही अप्लाई क्यों ना कर रहे हो। तो आप कहोगे कि एक साल में आपको 25 मिल रहा है, एक साल में 25, तो तीनों साल में जब SI होगा तो 25 25 25, टोटल कितना होगा, 75। अब 1 की वैल्यू 150 है तो टोटल SI आपका होगा 75, बराबर होगा 150 × 75। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, मेन आपने फोकस करना है इस चीज़ के ऊपर। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं और समझते हैं इस चीज़ को कि कितना फ़ायदेमंद है। इसकी एक पार्ट टू वीडियो और आएगी जिसमें मैं आपको 4 साल का CI, 6 साल का CI निकालना सिखाऊंगा, बड़े ही मिनटों सेकंडों में।
जो मेथड्स अब तक आपने सीखे हैं वो क्वाइट आउटडेटेड हैं और बड़ा लेंथी प्रोसेस है, ये आपका बेसिक पे ही सोल्व होगा, कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल में फिर से हम कुछ चीज़ें लेते हैं। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टू। मैंने इस पर लिखा हुआ है कि रेट 25% है, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का अगेन CI गिवन है आपको, थर्ड ईयर का और सेकेंड ईयर का CI 40 रुपीज़। तो आपको क्या क्या निकालना है, क्या क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है थर्ड ईयर का CI कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, सेकेंड का कितना है, सेकेंड और फर्स्ट ईयर के CI का डिफरेंस कितना है, थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर के CI का डिफरेंस कितना है, सब कुछ कैलकुलेट करना है। मैंने एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें रेट 25% पर फोकस करना है। तो रेट आपका है 25% और 25% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/4। अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 25% का मतलब है 4 मूलधन है आपका, मतलब प्रिंसिपल है, 1 इंटरेस्ट है और 5 आपका क्या है, ग्रॉस अमाउंट है। तो आप कहोगे पहले साल से दूसरे साल 4 से 5 होता है। मैं अगेन बता दूं कि सेकेंड ईयर के लिए फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल का काम करता है और थर्ड ईयर के लिए सेकेंड ईयर प्रिंसिपल का काम करता है। तो जब ये फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर 4 से 5 गया है तो सेकेंड से थर्ड भी कितना जाएगा, 4 से 5। उसके बाद 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20 और 5 × 5 = 25। दैट्स इट। और इसके बाद क्वेश्चन खत्म है आपका। गिवन क्या है, थर्ड ईयर CI और सेकेंड ईयर का CI, थर्ड ईयर CI और सेकेंड ईयर के CI का डिफरेंस कितना है, 5 parts, 5 unit और वो रुपीज़ में कितना है, 40 रुपये। तो आप कहोगे 5 की वैल्यू 40 रुपीज़, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 रुपीज़। अगर 1 की वैल्यू 8 आ गई है आपके पास तो अब जो भी कुछ पूछता हो, जैसे किसने कहा थर्ड ईयर CI, तो ये रहा आपका थर्ड ईयर CI कितना है, 25। तो 1 की वैल्यू 8, तो 25 की वैल्यू 25 × 8 200 आ जाएगी। उसने पूछा सेकेंड ईयर का CI, तो सेकेंड ईयर CI कितना है, 20। 1 की वैल्यू कितनी है 8, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, 20 × 8 आंसर कितना आएगा, 160। उसके बाद अगर उसने कहा सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर, तो ये रहा भाई आपका सेकेंड ईयर और ये रहा फर्स्ट ईयर, डिफरेंस कितना है, 4 का। डिफरेंस कितना है, 4 का। 1 की वैल्यू कितनी है 8, तो 4 की वैल्यू कितनी है 8 × 4 = 32। लास्टली क्या है, थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर, सीधा कहीं भी जम कर सकते हो आप क्वेश्चन में। थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर का डिफरेंस कितना है, 16 और 25 का 9। 1 की वैल्यू कितनी है 8, तो मैं यही लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन के नीचे इसका, 1 की वैल्यू 8 है, तो 16 और 25 का डिफरेंस 9, तो 9 की वैल्यू 9 × 8 आंसर कितना होगा, 72। अब खुद सोचो और खुद देखो, अगर आपने जरा भी तैयारी कर रखी है और रेशो के इस कंसेप्ट को पढ़ा हुआ है, परसेंटेज के कंसेप्ट को पढ़ा हुआ है, तो आप मुझे बताओ कि इसमें डिफिकल्टी है कहाँ, कहीं भी नहीं है। और अभी तो मैंने आज इसका बेसिक स्टार्ट किया है, इसका जो पार्ट टू आएगा, पार्ट टू में भयंकर क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब ताज़ा तरीन क्वेश्चन, जिनको पढ़ने के बाद, इन्हें करने के बाद आपकी तबीयत खुश होने वाली है। बहुत दिनों के बच्चों वाला काम करते हुए कुछ ढंग का काम कर लेते हैं। तो ये है आपका कि जो मर्जी मन करे आप क्वेश्चन खुद से सेट करोगे, खुद से बनाओगे, जो मर्जी मन करेगा आप निकाल पाओगे। पार्ट टू में मैं आपको प्रिंसिपल अमाउंट, कंपाउंड, मतलब मूलधन कितना रहा है, उसके बाद मिश्रधन कितना रहा है, जो मर्जी जो मन करे आपका वो वैल्यू, और वो भी कितने सेकंड में, 10 सेकंड 15 सेकंड, कितने भी सेकंड में। तो चलिए एक लास्ट रेशो में ले रहा हूँ, उस रेशो में सिर्फ आपको मैं रेशो बनाने सिखाऊंगा, क्वेश्चन आपने खुद से सेट करने हैं, आप खुद से देखना, प्रैक्टिस करके देखना। चलिए एक लास्ट रेशो ले लेते हैं। चलिए ये रहा अगला एग्जाम्पल आपके पास, क्वेश्चन आप खुद से बनाते रहना, मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि रेट 40% है और थर्ड ईयर CI और सेकेंड ईयर का CI का डिफरेंस आपको 140 दिया हुआ है। अब आपका जो मन करे वो कैलकुलेट करना, और मनमर्जी के काम करने में मज़ा आता है, आप सभी को पता है। तो शुरू करते हैं। तो कुछ नहीं करना आपने, रेट 40% को आप लिखोगे 40/100, जिसको फर्दर सोल्व करके मिलेगा क्या, 2/5। 2/5 मिलने के बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये आपका थर्ड ईयर। अब आप इसमें कहोगे 5 आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल है, 2 आपका इंटरेस्ट है और 5 में 2 जुड़कर 7 आपका मिश्रधन यानी कि ग्रोस अमाउंट है। अब आप कहोगे पहले साल 5 से कितना 7 हो रहा है, तो दूसरे साल के केस में, जब दूसरे से तीसरे साल में आप जाओगे, तो तीसरे के लिए ये मूलधन है, इसके लिए मूलधन ये था, तो मूलधन 5 है, याद रखना मूलधन 5 है बस।
तो सेकंड ईयर के केस में फर्स्ट ईयर मूल डंडा काम करेगा एक तरह से, तो 5 से 7 होगा। जब हम थर्ड ईयर पे जाएंगे तो थर्ड ईयर के लिए सेकंड ईयर काम करेगा, तो आप लिखोगे 5 से 7। इतना करने के बाद कुछ नहीं, अब तो तेज हवा चलेगी और 5 5 से मल्टीप्लाई, 7 5 से मल्टीप्लाई और 7 7 से मल्टीप्लाई और कितना आ जाएगा 49। खत्म है क्वेश्चन। अब आपको कहा गया थर्ड ईयर सी आई और सेकंड ईयर सी आई, तो ये रहा थर्ड और ये रहा सेकंड ईयर, तो कितना है डिफरेंस 14। तो आप कहोगे 14 की वैल्यू 140, ये गिवन है यहाँ पे। अगर 14 140 है तो आप मुझे बताओ 1 की वैल्यू कितनी है, 10 है। अब उसने पूछा थर्ड ईयर सी आई निकालो, तो ये रहा था टेंशन किस बात की है, तो 49 बराबर हो गया 10 × 49, आंसर कितना 490। मान लीजिए उसने पूछा सेकंड ईयर का सी आई, तो ये रहा 35। 1 की वैल्यू 10 है तो 35 की वैल्यू कितनी होगी, 35 × 10, आंसर कितना आएगा 350। उसने पूछा फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर के सी आई का डिफरेंस क्या होगा, तो 25 और 49 के बीच का डिफरेंस कितना है 24। 1 की वैल्यू 10 है तो 24 की वैल्यू 24 × 10 240। ये क्या था, ये था थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर का अंतर। तो आप देख पा रहे हो कि बड़ी आराम से बड़ी सहजता से जो कुछ आप सीख रहे हो उसको भांति भांति जगह इस्तेमाल कर सकते हो, और जब तक एक ही चीज़ को अलग अलग जगह इस्तेमाल नहीं कर पाओगे मैथ में, फिर वही रहोगे रट्टू तोता। इसलिए अच्छा है कि अपने आप को समय रहते अपडेट करो। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करना है। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आपको पता ही है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लाइक करनी है, कमेंट करनी है और शेयर एंड सब्सक्राइब करानी है। आज के लिए इतना ही, जल्दी इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।